साल 2036 में वव नाम की एलियन प्रजाति धरती पर कब्जा कर लेती है और उनकी वजह से लोग बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एलियंस उड़ने वाली शानदार सिटीज में रहते हैं। ये एलियंस हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि ये इंसानों की भलाई चाहते हैं। एडम जो कि एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो अपनी लॉयर माँ बेथ और बहन नेटली के साथ रहता है। कुछ साल पहले तक उसका पिता भी उनके साथ रहा करता था, मगर वो उनके पास ये घर छोड़कर चला गया। हालांकि आज की डेट में किसी के पास घर होना बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग बेघर हो चुके हैं। एडम की माँ बेरोजगार है, इसलिए उन्हें घर चलाने में भी आजकल दिक्कत हो रही है। अपनी पेंटिंग में एडम अपनी जिंदगी के सारे अजीज पल संजो के रखना चाहता है। दूसरी तरफ नेटली अपने गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स उगाना चाहती है, क्योंकि अभी उन्हें एलियंस का भेजा हुआ नकली खाना खाना पड़ता है। एक सुबह उनके घर के ऊपर एलियन सिटी उड़ते हुए दिखती है। हालांकि ये सीन उन्हें पसंद नहीं आता, मगर अब तो इस तरह एलियन सिटीज उड़ते हुए देखना बहुत कॉमन हो चुका है। अगले सीन में एडम अपने स्कूल में इंग्लिश लिटरेचर की आखिरी क्लास ले रहा होता है, जहां उन्हें एक डिवाइस लगाकर एलियंस की प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। इस प्रेजेंटेशन में क्यूट ड्रॉइंग्स का यूज करके एलियंस दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने धरती वासियों की मदद की है। इसके बाद उनका टीचर उन्हें कहता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि एलियंस चाहते हैं कि आज की प्रेजेंटेशन में जो डिवाइस यूज हुआ था उसका यूज करके इंसान एलियंस का कल्चर और उनकी हिस्ट्री सीखे, और ऐसा करने पर स्कूल्स को टीचर्स को बेवजह सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। बाद में अपनी आर्ट क्लास में एडम को क्लोई नाम की न्यू स्टूडेंट नजर आती है। पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो जाता है। बात करने पर उसे पता चलता है कि क्लोई की फैमिली बेघर है। क्लास खत्म होने के बाद क्लोई और एडम बात करते हुए बाहर जा रहे थे, तब उन्हें एक गन फायर की आवाज आती है और उन्हें पता चलता है कि उनके इंग्लिश लिटरेचर के टीचर ने खुद को गोली मार ली। एडम को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो क्लोई और उसकी फैमिली को अपने घर पर इनवाइट करता है। रात को डिनर टेबल पर क्लोई के पिता मार्श बेथ को शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें किराया दूंगा जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी। मगर क्लोई का भाई हंटर एहसान फरामोश होता है, कहता है इन लोगों के घर तो असली खाना भी नहीं है। तभी अचानक से एडम बोलता है, बिना अपनी माँ की परमिशन के क्लोई और उसकी फैमिली बेसमेंट में रह सकती है, जबकि बेथ को लग रहा था कि वो सिर्फ डिनर पर आए हैं। बेथ एडम को किचन में चलने के लिए कहती है ताकि अकेले में उसकी खबर ले सके, मगर अपनी को मना लेता है। एक दिन क्लोई एडम को दिखाती है कि कैसे वो एलियंस के फेंके हुए कूड़े को इकट्ठा करती है और उसे बेचती है। जब वो अपनी खराब सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे, एडम अपने पिता के बारे में बताता है। वो एक बिल्डर हुआ करते थे और उन्हें एलियंस की सिटीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन अपने सिद्धांतों की वजह से उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया था और फिर काम की तलाश में वो कैलिफोर्निया चले गए थे। लेकिन जब से वो वहां गए हैं, उन्होंने हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। बात बताते बताते एडम क्लोई की पिक्चर बनाने लगता है और फिर वो कुछ देर मौज मस्ती करते हैं। घर पर एडम क्लोई को उसकी पिक्चर दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों किस करने वाले थे कि तभी क्लोई का पिता मार्श वहां आ जाता है और फिर वो पर्दों को खोल देता है ताकि बच्चों को प्राइवेसी ना मिले। बाद में स्कूल में क्लोई अपने इकट्ठा करे हुए आइटम्स बेचने की कोशिश करती है, मगर किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ खरीद सके। एडम क्लोई को इतना पसंद करता था कि वो कहता है कि तुम्हें रेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। मगर क्लोई के दिमाग में एक आइडिया था जिससे शायद वो पैसे कमा सकती थी। वो कहती है कि एलियंस बिना किसी फीलिंग के रिप्रोड्यूस होते हैं और उन्हें इंसानों का रोमांटिक बिहेवियर काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए हमें अपने हेड डिवाइस यूज करके अपने रोमांटिक रिलेशन को ब्रॉडकास्ट करना चाहिए और उससे हमें पैसे भी मिलेंगे। क्लोई एडम से पूछती है, क्या इस आइडिया में तुम मेरे पार्टनर बनोगे? मगर उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि यार, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा अगर हम प्यार का ऐसे झूठा नाटक करेंगे। मेरे हिसाब से प्यार नेचुरली होना चाहिए। क्लोई कहती है, हम कुछ भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, ना ही किसी को दिखाने के लिए। हम एकदम नॉर्मल रहेंगे, नेचुरल। आखिरकार एडम मान जाता है। उस दिन के बाद से एडम और क्लोई एक दूसरे को प्यार करने की कोशिश करते रहते हैं, साथ ही साथ उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं एलियंस की सिटी में। उनके डिवाइसेस हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स को भी, क्योंकि एलियंस देखना चाहते थे कि कैसे प्यार में पड़े दो इंसानों का ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है और उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। उनकी पहली डेट काफी अच्छी जाती है और वो काफी स्वीट मोमेंट्स भी क्रिएट करते हैं, मगर उनके डिवाइसेस से कंटिन्यूसली ये आवाजें आती थी कि अभी आपको इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोगों ने अभी आपको लाइक किया है, ये सब। शुरुआत में उनके व्यूअर्स कम थे, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यूअर्स भी बढ़ रहे थे और उनके पैसे भी, और अब उनकी टेबल पर रियल खाना था। और तो और उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट कर रही थी, मगर हंटर आज भी नाखुश था। क्लोई बातें करते करते कहती है कि दुनिया में प्यार, मोहब्बत, फैमिली सब बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन बेथ कहती है कि खाने की टेबल पर अपने बिजनेस की बातें मत करो। डिनर के बाद एडम क्लोई के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहता था मगर बिना डिवाइस के, लेकिन वो जिद करके डिवाइस वापस लगा लेती है। अगले दिन मार्श एलियंस की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है मगर हंटर को पसंद नहीं होता। उसे लगता है उसके पिता अपने प्रिंसिपल्स को तोड़ रहे हैं। उसी पल वहाँ बैथ आ जाती है। वो मार्श और हंटर को खरी खोटी सुनाती है, कहती है तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरे कंप्यूटर को हाथ कैसे लगाया। हंटर वहां से चला जाता है। मार्श कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है मगर तुम्हें मेरे बेटे के सामने मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। और इसी तरह इस छोटी सी बात पर वो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं और कुछ ही देर में ये लड़ाई फैमिली के सारे मेंबर्स के बीच होने लगती है। तभी बेथ कहती है मेरे घर में मेरे रूल्स चलेंगे। इसके बाद से दोनों फैमिलीज अलग अलग डिनर करने लगते हैं। हंटर अभी भी कंप्लेंट कर रहा था कि एडम की फैमिली तो इतनी अमीर है, उन्हें हमारी अच्छे से मदद करनी चाहिए। क्लोई कहती है तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें छत दी है रहने के लिए। जैसे दिन बीतते जाते हैं एडम को इरिटेशन होने लगती है क्योंकि उनके प्यार के पलों के बीच उस डिवाइस से आवाज आती रहती है कि तुम्हारे कितने लाइक्स हुए हैं, कितने तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़े हैं। स्कूल पार्टी में उनकी एक दूसरे रियलिटी कपल से बहस हो जाती है। वो कहते हैं तुम हमारे कैमरा एंगल में आ रहे हो, मगर फिर भी क्लोई और एडम इसे नजरअंदाज करते हैं और वापस बेमन से डांस करने लगते हैं। एडम को लगता है ये सब दिखावा है, इसलिए वो अपना डिवाइस हटा देता है मगर क्लोई कहती है तुम ये सही नहीं कर रहे हो, हमें डांस करना चाहिए। अगले दिन स्कूल में क्लोई और एडम को एलियंस की तरफ से एक लेटर आता है। वो अपने क्लासमेट से उसे ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने उनके ऊपर केस कर दिया है। अपने केस के रिगार्डिंग उन्हें एक फ्लोटिंग सिटी में बुलाया जाता है, फिर उन्हें एक गोल्फ कार में ले जाया जाता है। वो ये देखकर हैरान थे कि यहाँ भी ह्यूमंस काम कर रहे हैं। और जो उनका ड्राइवर है वो बताता है मैं पहले डॉक्टर हुआ करता था लेकिन एलियंस ने मुझे यहाँ ड्राइवर की जॉब दी है और मुझे पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है एलियंस अपने छोटे मोटे काम कराने के लिए भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को रखते हैं। एडम को ये देखकर बहुत दुख होता है कि एक डॉक्टर को एक ड्राइवर बनना पड़ रहा है। कुछ देर बाद उन्हें एक होल मिलता है ग्राउंड में जिसके थ्रू वो एलियन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। एलियन अपने हाथों को हिला हिला कर बातें करता है और एक कंप्यूटर उसे ट्रांसलेट करता है। वो कहता है तुमने अपने व्यूअर्स को धोखा दिया है। वो कहता है हमारा सॉफ्टवेयर बोलता है तुम लोग अब एक दूसरे को प्यार नहीं करते हो। एडम कहता है हम करते हैं, तुम्हारा सॉफ्टवेयर खराब है। एलियन बताता है कि हम तुम पर केस करके इतने पैसों का जुर्माना लगाएंगे कि तुम्हारी 6 पीढ़ियां भी चुका नहीं पाएंगी। क्लोई कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों नए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना लेंगे। ये सुनकर एडम का दिल टूट जाता है मगर एलियन क्लोई की बात मान जाता है। घर वापस जाते समय एडम कहता है तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। क्लोई कहती है पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्यार से। वो कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती पर कोई फर्क पड़े। बाद में घर पर बैच चेक करती है कि ये रूल्स मेंशन थे और एलियंस के लॉयर्स बहुत बेहतरीन हैं, हम ये केस कभी नहीं जीत सकते। डिनर टेबल पर नेटली भी फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान दिख रही थी जिसकी वजह से बेथ भी बेहद परेशान हो जाती है, इसलिए वो एलियंस के ऑफिस पहुंच जाती है। इंतजार करते समय उसे वहां एलियन बॉस का बच्चा मिलता है जो बेथ से हाथ मिलाता है। मीटिंग के दौरान बेथ कहती है इंसान कई किस्म का प्यार करते हैं और सबसे मजबूत प्यार होता है माँ और बच्चे के बीच। वो कहती है कि आपका भी एक बच्चा है तो शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं किस प्यार की बात कर रही हूँ। फिर वो एलियन के सामने एक प्रपोजल रखती है। जब बेथ घर वापस आ जाती है उसके दोनों बच्चों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि बेथ अपने साथ उस एलियन के बच्चे को ले आई थी जिसे वो लोग फैमिली के एक मेंबर की तरह रखेंगे। अगले सीन में बेथ उस एलियन से शादी कर लेती है। एडम क्लोई को देखता है कि वो अभी भी किसी और लड़के के साथ रियलिटी रिलेशन में है। अगले सीन में बेथ अपने एलियन हस्बैंड को खाना सर्व करती है। एलियंस के कल्चर में नाम नहीं रखा जाता इसलिए ये एलियन कहता है मुझे पापा बुलाओ। हालांकि बच्चों को ये आइडिया कुछ पसंद नहीं आया। ब्रेकअप के बाद से एडम क्लोई को इग्नोर कर रहा था। क्लोई एडम से बात करना चाहती है मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। जब वो घर पहुंचता है एलियन उसे कहता है बेटा मुझे हग करो मगर एडम उसे बड़ी ही बदतमीजी के साथ इग्नोर कर देता है। बेथ उसे डांटने लगती है इसलिए वो बेसमेंट में जाकर मार्श और हंटर के साथ टीवी देखने लगता है। न्यूज चैनल पर एलियंस का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है इस पर बहस हो रही थी। लड़की कह रही थी कि पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, वहीं दूसरा होस्ट उससे असहमत था। हंटर कहता है एलियंस ने सब बर्बाद कर दिया मगर मार्श कहता है ये सच नहीं है, मार्केट में बहुत नए कॉम्पिटिटर्स भी आए हैं। एडम भी कहता है हाँ इससे चीजों की क्वालिटी बढ़ी है। हंटर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम तो अमीर हो, अपने घर में हो,
जाओ गरीबों की दशा देखो कि वो कैसे जी रहे हैं। ये कहकर हंटर वहां से चलता बनता है। मार्श कहता है कि हंटर की बात पूरी तरह से गलत भी नहीं थी, बाकी लोगों के कंपैरिजन में तुम अच्छे खासे रईस हो। आधी रात को एडम को एक आवाज आती है। वो देखता है कि उसके पिता कैंपबेल घर वापस आ गए हैं। एडम शॉक्ड था। वो कहता है, तुम मुझे बताना चाहोगे कि अभी तक तुम कहाँ थे? कैंपबेल कहता है कि मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। फिर वो पूछता है, तुम्हारी माँ कैसी है? इसका कुछ जवाब दिए बिना एडम बाथरूम में आ जाता है, जिसके बाद कैंपबेल बेडरूम की तरफ जाता है और देखता है कि एक एलियन बेथ के ऊपर सो रहा है। वो ये देख कर बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर से घर छोड़कर चला जाता है। जब एडम बाहर आता है, वो देखता है कि उसके पिता घर छोड़कर जा रहे हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि स्कूल्स को परमानेंटली बंद कर दिया गया है और अब से एलियंस उन डिवाइसेस के थ्रू बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वो भी उनके घर पर। स्कूल बंद होने के बावजूद एडम कुछ देर बैठकर स्कूल की बिल्डिंग को देखता रहता है। उसे दुख था कि किस तरह से ये एलियंस इंसानों की बनाई हर चीज को खत्म कर रहे हैं। जब वो देखता है कि वो लोग खिड़की दरवाजों तक को बंद कर रहे हैं, वो वहां की दीवारों को पेंट करने लगता है। सोचता है कि यहां कोई पिक्चर बनाऊंगा। दूसरी तरफ बेथ अपना ज्यादातर दिन अपने एलियन हस्बैंड के साथ बैठकर टीवी देखकर गुजारती है। एलियन को पुराने जमाने के टीवी शोज और मूवीज पसंद थी, वो चैनल तक बदलने नहीं देता था। तभी दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय आता है और बेथ को पता चलता है कि एलियन ने बेथ के लिए एक विग और एप्रन मंगाया है। अगले ही पल उसे एक ऑफिस से कॉल आती है, जहां उसने ये सब स्टार्ट होने से पहले नौकरी के लिए अप्लाई किया था। वो बहुत खुश थी कि शायद उसकी नौकरी पक्की हो गई है। जब वो एलियन हस्बैंड को बताती है कि वो जा रही है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो चाहता था कि बेथ एक कन्वेंशनल वाइफ की तरह घर संभाले और पैसे कमाकर मैं लाऊंगा। इसी बात पर बहस करने के बाद बेथ एलियन को कहती है कि पैसे तुम नहीं दे रहे, तुम्हारा बाप दे रहा है, और फिर वो टीवी बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। मार्स ये सारी बातचीत सुन लेता है। एलियन की काफी कोशिश के बाद भी वो रिमोट से टीवी नहीं ऑन कर पाता। मार्स उसकी मदद करके टीवी ऑन कर देता है। शाम को बेथ और उसके बच्चे बेथ की नई नौकरी की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, मगर वो ये देखकर हैरान थे कि मार्स ने वो विग और एप्रन पहना हुआ है। और वो कहता है कि मैं एलियन की डील कबूल कर चुका हूँ और अब से मैं भी इस डील का हिस्सा हूँ। अगले कुछ दिन एडम अपने स्कूल की दीवार पर पेंटिंग बनाता है और कभी कभी उसकी बहन नेटली उसका हाथ बटाती है और कभी कभी छुप छुप कर क्लोई उसे देखती है, लेकिन उसे भी अपने पापा और एलियन के बीच के रिलेशन को देखकर घिन आती है। जब एडम की पेंटिंग पूरी हो जाती है, उसमें दिखाया जाता है कि एलियंस ने किस तरह से इंसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अचानक से एडम गिर जाता है और पता चलता है कि एलियन भी यही है। वो कहता है, मैं बाहर की दुनिया देखने के लिए निकला हूँ और ये दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी टीवी पर दिखाई जाती है। इसके बाद वो एडम से उसकी पेंटिंग का मीनिंग पूछता है, मगर एडम बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन एडम को स्कूल बुलाया जाता है। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। यहां पता चलता है कि एलियन अपने डैड को लेकर आ गया था और साथ ही एक पेंटिंग एक्सपर्ट को, जिसके बाद एडम कहता है कि मैंने ये पेंटिंग आज के हालात को दिखाने के लिए बनाई है। एलियंस एडम से बहुत इंप्रेस्ड होते हैं और उसे अपनी फ्लोटिंग सिटी में एक बहुत अच्छी सैलरी के साथ आर्टिस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। बेथ के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद वो एडम को डील एक्सेप्ट करने की सलाह देती है। नेटली उसको जाते देख खुश नहीं थी। एडम कहता है, बस कुछ ही महीनों की बात है। नेटली कहती है, ऐसा ही पापा ने कहा था। वहां से जाते समय एडम अपनी फैमिली को गुड बाय कहता है, मगर इससे पहले वो क्लोई को गुड बाय करता, उसे लेने के लिए एक यूएफओ आ जाती है, जो उसे लेकर अर्थ के बाहर एक बड़े स्पेसशिप में आ जाती है। एक गहरी सुरंग को पार करने के बाद एडम एक ऐसे हॉल में आता है जहां बहुत सारे एलियंस हैं और वहां पर उसकी स्कूल पर बनाई हुई पेंटिंग भी होती है, मगर उन्होंने इसमें कुछ बदलाव कर दिए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इंसान एलियंस के आने के बाद खुश है। फिर वो उसे बताते हैं, हम चाहते हैं तुम ये प्रोपोगंडा फैलाओ कि एलियंस इंसानों के लिए फरिश्ते हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने क्यों एलियंस के ऑफर को ठुकराया था, और वो भी एलियंस के ऑफर को ठुकराकर वापस धरती पर आ जाता है। एडम की फैमिली उसके इस डिसीजन पर उसे कुछ नहीं कहती, मगर एडम को रात को नींद नहीं आती। वो रात को ही स्कूल जाने का डिसाइड करता है और एलियंस के किए हुए नुकसान को देखता है। वो न्यू पेंटिंग बनाना शुरू करता है कि तभी वहां क्लोई आ जाती है। दोनों बातचीत करके दोबारा अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। फिर वो अपने नए रिलेशन की शुरुआत के साथ साथ एक पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं, दुनिया के सामने अपना मैसेज रखने के लिए। इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।